वालेकुम, वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल और बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने लगा दिया फेंटा। मैंने कुछ दिन पहले कहा था, वो कहते हैं क्या दीवाने का ख्वाब देख रहा है कि ये पाकिस्तान कैसे जीतेगा। पाकिस्तान अब ये मैच जीते हुए, यार पाकिस्तान के लिए ये इतनी ज़बरदस्त सिचुएशन क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है मैं बताऊँ, और ख़ासियत पाकिस्तान की क्या है। पाकिस्तान हमेशा लेट पिक करता है, लेट मोमेंटम गेन करता है, इनको पुश करना पड़ता है, इनको थोड़ा सख्त बोलना पड़ता है, इनको ज़रा झटका देना पड़ता है, इनको कोशिश करनी पड़ती है ताकि इनको जगाया जाए। वो जगा दिया और वो जाग गए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आज कम बैक कर गया। लेकिन नेवर एवर कॉर्नर पाकिस्तान टीम, बिकॉज व्हेन दे आर कॉर्नर्ड दे कम बैक एंड हाउंट यू, दे कैन कम बैक एंड स्ट्राइक यू डाउन। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, स्पूकी बट आइडेंटिकल सिचुएशन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब फेंटा लग गया है, लेकिन पाकिस्तान टीम नहीं बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान को भी कभी कॉर्नर करने का ना सोचना, क्योंकि जब हम कॉर्नर होते हैं तो हम बड़ा तेजी के साथ बाइट करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि फिर ऐसे स्ट्राइक बैक करें कि दुनिया देखे। सो आज पाकिस्तान प्लेड लाइक अ कॉर्नर टाइगर्स। शोएब अख्तर ने सिलेक्शन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बताए नहीं जा सकते। तो आप पाकिस्तान टीम के शानदार जीत पर क्या कहते हैं, कॉमेंट जरूर करें, और मजीद इस तरह की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।